बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू योर चैनल लुबनाज स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। आज हम सिंपल शर्ट कटिंग करेंगे। शर्ट का जो साइज़ है वो स्मॉल साइज़ है। शर्ट की लेंथ 36 है, शोल्डर 13.5, चेस्ट 17.5 इंचेस, वेस्ट 16 इंचेस, हिप जो है 18.5 इंचेस, दामन हम 20 रखेंगे तैयार, और जो स्लीव्स की लेंथ है वो भी 20 इंचेस है, और स्लीव्स का कफ 7 इंचेस होगा। हम थोड़ा सा बेल शेप में इसका कफ बनाएंगे। साइज तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, इस साइज पे हम स्मॉल शर्ट कटिंग करेंगे। शर्ट के फैब्रिक में से जो स्लीव्स का फैब्रिक है उसको हम अलग कर देंगे। शर्ट की लेंथ में एक साइड पे हमें डिज़ाइनिंग करने के लिए बॉर्डर दिया हुआ है, उसको भी हम अलग कर लेंगे। शर्ट का फ्रंट बैक भी अलग अलग कर लेंगे। शर्ट का जो फ्रंट पार्ट है इसको हम इस तरह से डबल करेंगे और प्रेस करेंगे। इस शर्ट पे जिस तरह से नेक प्रिंट हुआ है तो हम नेक के सेंटर का ख्याल रखेंगे, बिल्कुल सेंटर से इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। पहले हल्का सा शावर करेंगे। नेक बिल्कुल बराबर है। ये बैक है, इसके ऊपर फ्रंट बिछा रही हूँ इस तरह से। बैक और फ्रंट का जो सेंटर है उसको मिलाकर रखेंगे, इससे हमारी शर्ट की मेजरमेंट बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले कपड़े को कटिंग करके बराबर करें। शोल्डर जो है 13.5 है, 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे और 1/2 इंच आगे कटिंग का निशान लगाएंगे और 1/2 इंच गहराई का निशान लगाएंगे। शोल्डर की गहराई का निशान भी 1/2 इंच पर लगेगा। शोल्डर के ऊपर हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। गले का इस निशान को इस निशान से मैच कर देंगे इस तरह से। आर्म होल का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर। आर्म होल से नीचे कमर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे इस तरह से। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमने 7.25 इंच पे निशान लगाया है, इधर से भी 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। चेस्ट 17.5 है, 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच बढ़ाकर हम कटिंग का निशान लगाएंगे। वेस्ट 16 इंच है, 2 इंच बढ़ाकर कटिंग का निशान लगेगा। सिलाई के निशानों को इस तरह से मिला देंगे और कटिंग के निशान भी। जिधर से हमने आर्म होल की कटिंग की है यहीं से ही हम 13.5 इंच पे हिप का निशान लगा लेंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे। शर्ट का हिप साइज 18.5 है, 9.25 पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे हम 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे। इन निशानों को भी इस तरह से मिला दें। स्टिचिंग के जो निशान है उनको हाईलाइट कर लें।
स्टिचिंग के निशान इसलिए हाईलाइट करते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने बाहर वाली कटिंग करनी है, अंदर से हमें कटिंग नहीं करना है फैब्रिक को। शर्ट की लेंथ 36 इंचेस है, 36 इंचेस पर निशान लगाएंगे। एक और निशान लगाएंगे 36 इंचेस पर, लाइन ड्रॉ करेंगे और हमें शर्ट की स्टिचिंग का मार्जिन 1.5 इंच पे लेना होगा। 1.5 इंच पे एक निशान मार्क करेंगे। यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करेंगे। शर्ट का दामन 20 इंच है, 10 पे निशान लगाएंगे। कटिंग का निशान हम 1.5 इंच पर लगाएंगे। शर्ट की कटिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे। बाहर वाले निशान से आर्म होल की कटिंग करेंगे। बाहर वाले निशान से हिप पे कट लगाएंगे इस तरह से, वेस्ट पे भी। शोल्डर की फ्रंट कटिंग उतारेंगे। स्टिचिंग के निशान हम पीछे भी उठा लेंगे ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो हमें नापना ना पड़े बार बार। शर्ट की कटिंग करने के बाद स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स के फैब्रिक को भी इस तरह से डबल करके प्रेस करेंगे। अगेन हम इस तरह से स्लीव्स को डबल करेंगे। प्रेस कर लेंगे। कफ वाली साइड से स्लीव्स को कटिंग करके बराबर करेंगे। स्लीव्स की लेंथ 20 इंच है तो हम 1.5 इंच का मार्जिन रख के 21.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इधर भी 21.5 इंच पे निशान लगाएंगे। स्लीव्स की आर्म होल की गहराई के लिए हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। चौड़ाई में हम आर्म होल की कटिंग 8 इंच पे करेंगे। स्लीव्स का जो कफ साइज है वो 7 इंचेस है। एक निशान 7 इंचेस पर लगाएंगे और एक निशान 8 इंचेस पर। इस शेप पट्टी की मदद से हम अम्ब्रेला स्लीव्स की शेप बना लेंगे। स्लीव्स की कटिंग का निशान लगाएंगे। निशान पे हम स्लीव्स को कटिंग करेंगे। स्लीव्स के सेंटर में इस तरह से कट लगा देंगे।
सो व्यूवर्स, ये है हमारी शर्ट की कटिंग। आई होप कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ये हमने स्मॉल साइज़ में शर्ट कटिंग की है। आपकी शर्ट का जो भी साइज़ है आप उसको पहले अपनी डायरी पर लिख लीजिए और फिर इस तरह से जिस मेथड से मैंने कटिंग की है इसी मेथड से आप कटिंग कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।